या हुसैन फेरू मिल के पढ़े या हुसैन फेरू बुढ़ावा से या हुसैन फेरू या हुसैन फेरू साथ माँ के लाल की लाल जी की याद में दुस्तरे हुसैन की बेकसी की याद में वो मासूम सचिन जो आज भी जिंदा में तन्हा है उसको फुर्सत देने के लिए चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। फातिमा के लाल की लाडली की याद में दुस्तरे हुसैन की बेकसी की याद में अरे कैद में है जिसकी कब्र उस कली की याद अश्के गम लुटाइए खिदमते मामे या हुसैन इब्ने रूह से या हुसैन इब्ने रूह हाथ जिसके कट गए उस शरीर की ताजिया खून रोया जिस पे तीर उस हसी की ताजिया जिसका सीना छिप गया गए उस वाली की ताजिया गुर्बत हुसैन की बेकसी की ताजिया बेकसी की ताजिया दिल से पेश कीजिए खिदमते मामे या हुसैन जज़ाकअल्लाह मिलके या हुसैन अहले गम पे इन दिनों जुल्म की नहीं है हद गैब में इमाम है उनसे चाहिए मदद दावा यज़ीद को वो करेंगे आके रद जुज दुआए अल्लाह जल कीजिए भी क्या बात कीजिए भी क्या बात ये दुआ ले जाइए खिदमत मामे या हुसैन या हुसैन इब्ने रूह या हुसैन इब्ने रूह और हम अपने इमाम के हुजूर यही अपना अरिज़ा पहुंचाते हैं कि इमाम जो ज़ुल्म सितम हम पर हो रहा है आज पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं पूरी दुनिया में हो रहे हैं कि होशियार में हैदर कदार किस तरीके से शिकस्त-ओ-ग़लब हो रही है उनको कत्ल किया जा रहा है ब्लास्ट करा जा रहा है मगर आज भी ये आपके चाहने वाले इस जोश के साथ ना सिर्फ बुजुर्ग ना सिर्फ बच्चे ना सिर्फ बुजुर्ग ना सिर्फ जवान बल्कि बच्चे भी पूरी कुव्वत ताकत के साथ और इस अजम के साथ के हमारे फौज का आखिरी कतरा भी या हुसैन की सदा आएगी चाहे कुछ भी हो जाए चाहे बम ब्लास्ट हो जाए चाहे कितनी ही शहादतें हो जाए मगर जिक्र हुसैन रुक नहीं सकता हाथों गर्म करो पर्दा उठा दे बुलंद करके अब पर्दा उठा दे अब पर्दा उठा दे हम किसको सदा दे हम किसको सदा दे बहनों की दुआ है माओं की सदा है अब पर्दा उठा दे इसी सूरत के साथ अपने हाथों में रख करते हुए मुझे मालूम है कि आप लोग माशाल्लाह काफी देर से यहाँ पे बीफा मजा रखो सदे मगर याद रखें एक फर्जन ऐसा है कि फर्ज मजा है आपका जो पर्दे का रहते हैं और आपके इंतजार में है कि कब मेरे चाहने वाले माशाल्लाह बैग कहेंगे और वो इमाम जमान का जरूर होगा और आप उसके लश्कर में शामिल होंगे और उन यजीदियों को जो इस दुनिया के अंदर
जुलूस आजाद के अंदर बंगलास का उठे इंतकाम लेंगे पूरी कुव्वत के साथ कि हमसे आजादारों के आगे जो भी कातिल आएगा हमसे आजादारों के आगे जो भी कातिल आएगा दरहम बरहम हो जाएगा दरहम बरहम हो जाएगा। देती है तारीख गवाही वो खुद ही मिट जाएगा दरहम बरहम हो जाएगा दरहम बरहम हो जाएगा। पूरी कुव्वत के साथ पूरी ताकत के साथ तमाम जवान मिलकर नमाजों के हमसे आजादारों के आगे जो भी कातिल आएगा दरहम बरहम हो जाएगा दरहम बरहम हो जाएगा नमाज करो देती है तारीख गवाही जो खुद ही मिट जाएगा धर्म हो जाएगा धर्म हो से धर्म बरम हो जाएगा। आज आजादारी की दुनिया बेदारी की दुनिया है फरारों का काम नहीं है कर्रारी की दुनिया है। जाग रहे हैं आप लोग आज आजादारी की दुनिया बेदारी की दुनिया है फरारों का काम नहीं है कर्रारी की दुनिया है। कहता है किरदार अलम का सालारी की दुनिया है सर देना एहसास हमारा सरदारी की दुनिया है। अब जो सदा में लगा हुआ उसके ऊपर दरहम बरहम की आवाज पूरे कुव्वत के साथ आना चाहिए तमाम जवान अपने हाथ बुलंद करके सरदारी को जिसने टोका दरहम ऐसे नहीं मालूम हो यजीदियों को मालूम हो यजीदियों को आए हुसैन जी के हुसैन के चाहने वाले इमाम हुसैन के चाहने वाले उन यजीदियों को दरहम बरहम करने की बात कर रहे हैं। सरदारी को जिसने टोका दरहम मातम की इस फौज को रोका दरहम बरहम हो जाएगा। मातम की जब गूंज उठेगी कैबर भी थर्राएगा दरहम बरहम हो जाएगा दरहम बरहम हो जाएगा दरहम बरहम हो जाएगा दरहम बरहम हो जाएगा। अपने हाथों को अपने हाथों को एक इंचार्ज और संस्था आप यहाँ के रहने वाले मुझे मालूम है सब्जी बहुत है मगर जब हुसैनी होता है मैदान अमल में आता है तो उसको गर्मी और सर्दी का एहसास नहीं होता बल्कि पूरी कुव्वत के साथ आता है अपने मौला की मोहब्बत में आता है जान फिदा करने के लिए आता है। इस वर्षी अदा पे हम उस वक्त आते हैं तो हमारे जहन में ये होता है कि अगर हमें यहाँ शहादत मिली तो अपने मौला की नजरों पे जाएंगे। पूरी कुव्वत के साथ हमसे आजादारों के आगे जो भी कातिल आएगा जिन सीनों में जिंदा है खून अली की गर्म रवानी जिन सीनों में जिंदा है उनकी जिंदा सच्चाई से दुश्मन खुद शर्मिंदा है। इब्ने अली का मातम जिनके अश्कों में ताबिंदा है नाम उन्हीं मातम वालों का महशर तक पाइंदा है नाम उन्हीं मातम वालों का महशर तक इन मातमदारों पे जो तनकीद करेगा तो उनको मालूम है ना तुमको क्या कहना है। पूरी कुव्वत के साथ इन पर जो तनकीद करेगा अश्कों की तरकीद करेगा इन नश्कों से बचने वाला पत्थर दिल कहलाएगा धर्म बरहम हो जाएगा बुला सुबह नमस्ते किसी के चेहरे पर हंसी नहीं आना चाहिए। याद रखो अपने हाथों को बुलंद करके तो अपने इमाम से वादा कर रहे हो कि उनके जब जहूर होकर तो उन लश्कर से शामिल होंगे और यजीदियों से मुकाबला करोगे और यजीदी से मुकाबला करने वाले हंसते नहीं है मैदान अमल में आके पूरी कुव्वत के साथ चांद लगा कर अपने रूहों तन के साथ शुरू करते हैं। हमसे आजादारों के आगे जो भी कातिल आएगा कयामत से पहले वो दोज़ख का सामान करे मातम करने वालों से जो
वो दोज़ख का सामान करे। राह आज़ादारी पे आकर रोशन जो ईमान करे। मालो सर क्या चीज है आखिर, जान भी वो कुर्बान करे। मालो सर क्या चीज है आखिर, जान भी वो कुर्बान करे। पूरी बोल के साथ बोलना, इनको जो बदनाम करेगा, फितनों को जो आम करेगा, सीधे साधे कलमा गोयों को भी जो बहकाएगा, शर्म बरम हो जाएगा। बड़े नवाज से से आजादारों के आगे जो भी का दिन आएगा, से मुझे लग रहा है कि शायद आप थक गए हैं। अगर थक गए हैं तो मैं आपकी दुआ पढ़ाता हूं। आज अमल करोगे तो कल आप उस मैदान में अमल में खड़े होगे। और ये दावा है पूरी कुव्वत के साथ, जो आदमी सबशादा पे आ गया है तो जब लबैक या हुसैन करो तो पूरी कुव्वत के साथ अपने हाथ बुलंद करके इसी कुव्वत के साथ, इसी ताकत के साथ हमसे आजादारों के आगे जो भी कातिल आएगा, हर जाबिर को याद रखेगा बैयत से इनकार हमारा, हर जाबिर को याद रखेगा बैयत से इनकार हमारा। शान आलम की खुद कहती है जज्बा है बेदार हमारा, गाजी है अब्बास हमारा, गाजी है कर्रार हमारा, गाजी के आका है मौला और ये है सरदार हमारा। गाजी के जो आगे आया मौला अब्बास के आलम के जो आगे आएगा, मौला अब्बास के आलम के आगे आने की बात हो रही है पूरी कुव्वत के साथ। गाजी के जो आगे आया हरम बरम हो जाएगा, जो इस गाजी का दुश्मन है कब्र में भी थर आएगा, हरम बरम हो जाएगा। हमसे आजादारों के आगे जो भी कातिल आएगा, मिलके मिलके तमाम लोग मिलकर आज हिलाले में फिक्र हुसैनियां करो, हर लहजे को मिंबर कर दो, मजलिस का इकदाम करो। आज हिलाले सुलकदे में फिक्र हुसैनियां करो, हर लहजे को मिंबर कर दो, मजलिस का इकदाम करो। नौहों को तारीख बना दो, मातम हर हर काम करो, अपने नौहों की ताकत से जिंदा फिर पैगाम करो, अपने नौहों की ताकत से जिंदा फिर पैगाम करो। जो नौहों का मुनकिर होगा, जो नौ